थोड़ा संभाल के आ, गोवा ट्रिप का नाम लेते ही पता नहीं पेरेंट्स को क्या माता चढ़ जाती है। हाँ यार, बस दोनों का मूड सही रहे ना तो परमिशन तो मिल ही जाएगी यार। देन गोवा सारा दिन ऑन। बस क्रिटिसाइज करवा लो इनसे। एक मिनट रुक। अरे यार, खुद तो दरिया गेंडे की तरह बस पड़े रहते हैं। क्या क्या मतलब? मैं काम नहीं करता? अरे ये पौधों में पानी, ये बोतलों में पानी, और तो और आज के रहते में पानी क्या अपने आप डल जाए? उपकार किया जी आपने, जो प्लास्टिक के पौधों में पानी डालना नहीं भूले तुम। एक बात और, आज के दोपहर का खाना बनाना मत भूलना, समझे? अरे जाओ। हाँ यार, झगड़ा हो गया उनका, मुश्किल है अभी परमिशन मिलना। हाँ तो ट्राई तो कर ही रहा हूँ ना मैं। पापा, हमेशा का है आपका, आप दोनों झगड़ते रहते हो और मुझे अपना रूम देना पड़ता है। अरे बेटा, दोनों मिलके एडजस्ट कर लेते ना। अरे सुन, कहाँ जा रहा है? ओ सुन तो सही। मनीष चल बेटा, देर हो रही है, जल्दी। अरे पापा, आप मंदिर नहीं आ रहे हो? नहीं बेटा, मेरे दुख दर्द तो भगवान पहले से जानते हैं, और कुछ लोगों की तरह मुझे भगवान को बार बार दुखड़े सुनाना पसंद है। सुनिए, अपनी माँ के बारे में हमें क्यों बताते रहते हो? हम उन्हें अच्छे से जानते हैं और उनके बेटे को भी। चल बेटा। तुम्हारी माँ होगी ऐसी? पापा आ जाओ, अभी खा लो खाना। नहीं बेटा, तानों से पेट भर चुका है और भूख भी नहीं है। अरे रहने देना बेटा, तुझे दिख नहीं रहा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देश की इकोनॉमी वगैरह यही तो सुधारने वाले हैं। तू रहने दे, उन्हें डिस्टर्ब मत कर, कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, कब का सुधार देता, अगर तुमसे शादी नहीं हुई होती तो फिर मेरे घर शगुन लेकर क्यों आए थे? शगुन हम लेकर नहीं आते, तुम ले। बस करो यार, तुम दोनों क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? पता है औरों के माँ बाप क्या क्या रोमांटिक चीजें करते हैं, गार्डन में जाते हैं, फिल्म देखते, ये करते, और आप कुछ नहीं, सिर्फ पुराने गड़े मुर्दे निकाल के बैठ जाओ बस। और पापा, आप मुझे जेन्युइनली एक बात बताओ, इतना न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? मनीष बदतमीज, इस तरह से बात करते अपने माँ बाप से? हाँ, और दूसरों के माँ बाप इतने अच्छे लगते हैं तो उनके घर चले जा। बिल्कुल, वहां जाके तमीज सीखे फिर यहाँ आना। ये मेरा घर है, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझा? और अगर नहीं रहने आता तो घर से बाहर निकल जा। जा निकल यहाँ से। नहीं, ठीक हो जाएगा। यार मंजू सुनो ना। बताओ। पहले जब तुम गुस्सा होती थी तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता था। हाँ तो? तो मनीष कह रहा था कि हम पुरानी रोमांटिक चीज नहीं करते। जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। फिर उस हिसाब से तो तुम्हारी चाय फीकी होनी चाहिए। अरे चक्के तो देखो, बहुत फीकी है। तुम और तुम्हारी चाय कभी नहीं सुधरेंगे। अरे वाह, हो गया पैचअप। तो इस खुशी के मौके पे फिर एक अगर कुछ मैं पूछूं तो फिर मना नहीं करोगे ना? अरे पूछना बेटा। तो अपना ये विनीत है ना, वो अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप के लिए जा रहे, तो मैं भी जाऊं ना फिर? नहीं जा? अरे पागल हो गए हो, गोवा जाने की बात कर रहा है कोई, शिरडी नहीं। अरे उसके दोस्त साथ में जा रहे हैं मंजू। पर जाएगा तो फिर भी गोवा ही ना, और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि गोवा में क्या क्या होता है। मुझे पता होगा, मतलब कहना कैसे थी तुम? बात बात पे तो गोवा जाते रहते हो। गोवा में वो अपना वो बिजनेस ट्रिप ले जाता हूँ, और क्या। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? घुमा फिरा के बात मत करो, जो कहना है सीधा कहो। अरे मैंने कहा घुमा फिरा के बात की है, सीधी तो कही है। तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तेरा ना टाइम खराब जा रहा है, तुझे गोवा जाने नहीं मिलेगा।